हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का टॉपिक आयरन मेटाबॉलिज्म। इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन। आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड अदर सब्सटेंस लाइक साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज। हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मायोग्लोबिन में भी इसका अच्छा रोल है। ये मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है। अदर सब्सटेंस जैसे कि साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इनके फॉर्मेशन में भी आयरन हेल्प करता है। नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। इसकी आयरन की नॉर्मल वैल्यू क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी इज अबाउट 4 grams। बॉडी में 4 grams आयरन प्रेजेंट होता है। The approximate distribution of iron in the body is as follow. इसका distribution कैसे होता है? In the hemoglobin, hemoglobin में यह 65-68% होता है। In the muscles as myoglobin, इसमें यह 4% होता है। In the form of various heme compound 1%. In the plasma as transferrin 0.1%. स्टोर इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम 25-30%। डाइट्री आयरन अवेलेबल इन 2 forms, हीम एंड नॉन हीम। आयरन डाइट के फॉर्म में यह 2 forms में मिलेगा, एक तो हीम में और दूसरा नॉन हीम में। हीम आयरन प्रेजेंट इन फिश, मीट एंड चिकन, इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। हीम आयरन यह फिश में, मीट में, चिकन में प्रेजेंट रहता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। नॉन हीम आयरन प्रेजेंट इन वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड सीरियल्स। नॉन हीम आयरन यह वेजिटेबल में, ग्रेन में और सीरियल्स में प्रेजेंट रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? आयरन इज एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आयरन इज प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म, इट कन्वर्ट इन टू फेरस फॉर्म एंड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। आयरन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहां एंटीरोसाइट सेल आयरन को एब्जॉर्ब करती है। यह प्रोसेस पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है। आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यह फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। HCl मैग फेरस आयरन सोल्यूबल, सो इट कन्वर्ट इंटू फेरिक आयरन बाई एंजाइम फेरिक रिडक्टेज फ्रॉम एंटीरोसाइट। इसमें HCl जो होता है वह फेरस आयरन को फेरिक आयरन में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम फेरिक रिडक्टेज की प्रेजेंस में, ताकि ये जो एंटीरोसाइट सेल है इसको एब्जॉर्ब कर सके। फ्रॉम एंटीरोसाइट फेरिक आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड बाय ये प्रोटीन फेरोप्रोटीन। इन ब्लड फेरिक आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरस आयरन एंड ट्रांसपोर्टेड। अब जो एंटीरोसाइट से फेरिक आयरन ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा प्रोटीन फेरोपोर्टीन की प्रेजेंस में। अब ब्लड के अंदर फेरिक आयरन फेरस आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। आयरन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड आयरन कंबाइन विथ बीटा ग्लोब्यूलिन कॉल्ड एपोट्रांसफेरिन एंड फॉर्म ट्रांसफेरिन। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन। आयरन कंबाइन लूजली विद ग्लोबिन एंड रिलीज्ड एट एनी रीजन ऑफ बॉडी। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद आयरन बीटा ग्लोब्यूलिन के साथ कंबाइन होगा, जिसे एपोट्रांसफेरिन बोलते हैं। अब ये ट्रांसफेरिन बनेगा, अब यह आयरन ब्लड में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अब आयरन ग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां बॉन्ड टूटकर आयरन रिलीज हो जाता है। स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन का स्टोरेज कहां कहां पर होता है? आयरन स्टोर इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड लीवर हिपेटोसाइट। इन साइटोप्लाज्म आयरन कंबाइन विथ प्रोटीन एंड फॉर्म एपोफेरिटिन, विच इज कन्वर्ट इनटू फेरिटिन एंड स्टोर। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल और लीवर सेल में आयरन स्टोर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर यह फेरिटिन के रूप में स्टोर होगा। डेली लॉस ऑफ आयरन। इन मेल्स
1 mg of iron is excreted through feces. मेल के अंदर डेली 1 mg आयरन स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है. इन फीमेल द अमाउंट ऑफ आयरन लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. फीमेल के अंदर ये जो आयरन लॉस की मात्रा ज्यादा होगी मेंस्ट्रुएशन के कारण. रेगुलेशन ऑफ टोटल बॉडी आयरन. एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन आर मेंटेन्ड इक्वली अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. व्हेन आयरन स्टोरेज इज सैचुरेटेड इन द बॉडी इट ऑटोमेटिकली रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बाय फीडबैक मैकेनिज्म. स्टॉपेज ऑफ एपोट्रांसफेरिन फॉर्मेशन इन लीवर सो डेट द आयरन कुड नॉट बी एब्जॉर्ब द इंटेस्टाइन. जब बॉडी में ज्यादा मात्रा में आयरन आ जाता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म. तो क्या होता है कि जब आयरन की मात्रा बॉडी में सफिशियंट हो जाएगी तो लीवर से एपोट्रांसफेरिन बनना बंद हो जाता है. सो इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.